मंडी पुलिस एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। ये अभियान ओवरलोडिंग करने व बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए चलाया जाएगा। ये अभियान 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान सुबह व शाम के समय पुलिस नाकाबंदी करेगी और स्कूल वाहनों की चेकिंग करेगी। ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों को जुर्माना किया जाएगा। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के भी चालान किए जाएंगे। इसी विशेष अभियान के तहत ओवरलोडिंग करने वाले बस ऑपरेटर, टैक्सी चालकों व व्हीकल चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यातायात सुरक्षा के मद्देनजर ये अभियान शुरू किया जा रहा है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्कूली बच्चों की ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये प्राय देखा गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चों को जिनकी बस की मारुति वैन है या बस है या कोई भी अन्य साधन जिनसे वो स्कूल जाते हैं, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा उसमें उठाया जाता है। इससे न केवल एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ते हैं, बल्कि जो छोटे बच्चे हैं उनको चोट लगने का भी खतरा रहता है। ऐसी कई शिकायतें हमारे पास आई हैं और इस शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने 3 दिन का एक अभियान चलाया है, जिसमें उन बसों को चेक किया जाएगा और ओवरलोडिंग जिन जिन बसों में है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मंडी पुलिस ने 3 दिन का हेलमेट के खिलाफ भी एक अभियान चलाया। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, हमने देखा है कि कई जगह एक्सीडेंट्स हुए हैं 2 व्हीलर्स के, और हेलमेट ना पहने जाने की वजह से कुछ लोग हताहत हुए हैं। इन घटनाओं के मद्देनजर 3 दिन का ये अभियान चलाया जाएगा, इसके तहत जो लोग हेलमेट नहीं पहनते दुपहिया वाहन पे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार।